हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रश्न केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ केमिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर करने का सीक्रेट। मेरा दावा है स्टूडेंट्स कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको केमिस्ट्री से लगने वाला डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और केमिस्ट्री में हाई स्कोर प्राप्त कर लेंगे। स्टूडेंट्स, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे ताकि आप नोट करते जाएँ। जो भी मैं इंपॉर्टेंट टिप्स जो भी मैं बता रही हूँ आप नोट करते जाएँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। सभी सब्जेक्ट्स में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं बट केमिस्ट्री में पीछे रह जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या करें कि केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर कर लें? केमिस्ट्री याद करने में डिफ़िकल्टी होती है, याद नहीं होती है, रिएक्शन समझ नहीं आती है और फार्मूला भी भूल जाते हैं। एग्ज़ाम चाहे बोर्ड का हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। केमिस्ट्री की अगर अच्छे से प्रिपरेशन ना हो तो पीछे रह जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री से डर लगने लगता है बट अब ऐसा नहीं होगा, केमिस्ट्री भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा। मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले सीक्रेट्स। चलिए जानते हैं कि वो कौन से सीक्रेट टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप केमिस्ट्री से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे और अच्छा स्कोर कर लेंगे, केमिस्ट्री से लगने वाला डर हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा। नंबर वन है, केमिस्ट्री को समझें, उसको रटे नहीं। अगर आप केमिस्ट्री को समझकर करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी आपको केमिस्ट्री में जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको नोट कर लें और अपने टीचर से पूछें। और स्टूडेंट्स, जिस टॉपिक पर भी आपको डिफ़िकल्टी है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शंस। रिएक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। रिएक्शन नहीं तो केमिस्ट्री भी नहीं। सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी होती है वो होती है रिएक्शंस को याद रखने में। रिएक्शन समझ ही नहीं आती है। रिएक्शंस को याद रखने के लिए, उसको समझने के लिए आपको केमिकल फार्मूले ज़रूर याद होने चाहिए, लाइका, फॉर्मिक एसिड, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, इस टाइप के जो भी जितने भी रिएक्शन, जितने भी फार्मूले हैं सब के सब याद होने चाहिए। स्टूडेंट्स, आप एक काम कर सकते हैं कि आप इन फॉर्मूले को एक जगह पे एक पेपर पे नोट कर लीजिए और इस पेपर को उस जगह पे पेस्ट कर दीजिए जहाँ पे आपको हमेशा वो दिखाई दे, जिससे कि आपकी नज़रों के सामने रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे और अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। इसमें आप फॉर्मूले को लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, बार बार फार्मूला लिखें, इससे आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। इससे आप रिएक्शंस को बैलेंस करना और कम्प्लीट करना भी सीख जाएंगे। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती हैं, जैसे फ्रीडल का रिएक्शन हुई आपकी, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आती ही आती है। नेम रिएक्शंस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें बहुत ही ईजी वे में मैंने याद करने की ट्रिक बताई हुई है, इस वीडियो को ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स, जब भी अगर आप करेक्ट रिएक्शन लिखेंगे तभी आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, इसलिए रिएक्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट सीक्रेट टिप है न्यूमेरिकल पोर्शन। ये भी हाई स्कोर करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करें, फार्मूला याद रखें। स्टूडेंट्स, आप एक पेपर पर नोट कर लें जितने भी न्यूमेरिकल रिलेटेड फार्मूले हैं, आप एक जगह पर नोट कर लें और इसको प्रॉपर प्लेस पे पेस्ट कर दें, जिससे कि आपको देखता रहे और आपको याद भी रहे, आप फिर भूलेंगे भी नहीं फार्मूला और आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। एग्ज़ाम में अगर फार्मूला याद नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए न्यूमेरिकल पोर्शन को भी अच्छे से सॉल्व करें, सीखें। स्टूडेंट्स, जब भी आप आंसर लिखें तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जल्दबाजी करने से आप बहुत सारी चीज़ें भूल सकते हैं और आपका आंसर भी इनकम्प्लीट रह सकता है, जिसकी वजह से नंबर स्कोर नहीं हो पाते हैं। इसलिए सोच समझ कर ही आंसर लिखें और प्रॉपर वे में आंसर लिखें कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टू द पॉइंट आंसर लिखें। जल्दबाजी करने से जो आप चीज़ें भूल जाएंगे फिर आपको बाद में याद आएगा कि अरे ये तो हमने आंसर में लिखा ही नहीं जबकि हमको आता था, इसलिए आंसर में जल्दबाजी ना करें। स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप केमिस्ट्री को स्ट्रांग बना लेंगे और हाई स्कोर प्राप्त कर लेंगे। आई होप स्टूडेंट्स, वीडियो में बताए गए सक्सेस टिप्स आपने नोट कर लिए होंगे। ये टिप्स आपको एग्जाम्स में बहुत सपोर्ट देंगे। वीडियो आपको एग्जाम सपोर्टिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूलें।